हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 25 है और आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग बोथ दीज प्रोनाउंस उन्हें हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद कल आपका एक लास्ट लेक्चर आएगा ऑन प्रोनाउंस जहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके पीपल, तो इसके साथ आपका प्रोनाउंस का जो टॉपिक है वो रैप अप हो जाएगा और उसके बाद हम अपना वर्ब स्टार्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट विद द वर्ब अग्रीमेंट, एंड इसी तरह से हम अपने ग्रामर के पोर्शन को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो पोजेसिव प्रोनाउंस स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है? देखिए, पोजेसिव केस के बारे में मैंने आपको बताया है व्हेन मैंने नाउन को डिस्कस करा था, राइट? मैंने उस सेशन में आपको अबाउट पोजेसिव केस बताया था। सो व्हाट इज पोजेसिव केस? व्हेन यू आर शोइंग योर बिलोंगिंगनेस विद समथिंग, ठीक है, व्हेन यू आर शोइंग एन ओनरशिप विद समथिंग, आप किसी चीज़ के साथ ओनरशिप दिखा रहे हो अपनी, आप किसी चीज़ के साथ बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हो अपनी, आप ये कह रहे हो कि वो चीज़ मेरी है, ठीक है। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव या पोजेशन का मतलब ये होता है कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है, राइट? तो पोजेसिव केस हम तब यूज़ करते हैं। नाउन में मैंने आपको बताया था कि पोजेसिव केस को यूज़ करने के लिए आपको अपोस्ट्रॉफी एस की ज़रूरत पड़ती है, राइट पीपल? उसके बाद हमने एडजेक्टिव की बात करी थी, एडजेक्टिव में भी हमने अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करी कि अगर कोई चीज़ हम अपनी बता रहे हैं, इफ़ वी आर शोइंग आर बिलोंगिंगनेस टू समथिंग, वी विल यूज़ पोजेसिव एडजेक्टिव इन दैट केस। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस, माई कार, माई बोटल, ठीक है। सिमिलरली काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप इस तरह से बना सकते हो, आर हाउस, आर स्कूल। तो ये सब क्या है? ये आप सबका है पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस भी कुछ अलग नहीं है, ओके? पोजेसिव प्रोनाउंस भी आप तभी यूज़ करते हैं जब आप कोई भी चीज़ अपनी बता रहे हैं, व्हेन यू आर शोइंग अ बिलोंगिंगनेस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू यूज पोजेसिव प्रोनाउन, ओके? लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन बनता कैसे है? जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, देन मैंने आपको एक टेबल दी थी एंड मैंने आपको बोला था कि वो आप टेबल लर्न करना, राइट? आई होप आपको वो टेबल याद होगी। उसमें जो आपका फोर्थ कॉलम था, इन दैट आई टॉक्ड अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस, ओके? और मैंने आपको बताया था कि जब हम पोजेसिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल टेल यू कि पोजेसिव प्रोनाउंस बनती क्यों है, व्हाई? बिकॉज इन दैट सेशन आई वाज टेलिंग यू कि जब भी आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, यू विल नेवर यूज अपोस्ट्रॉफी एज विद दैट, राइट? बट आई टोल्ड यू कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपोस्ट्रॉफी एस कभी यूज़ नहीं करते हैं विद पोजेसिव प्रोनाउंस, तो हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? सो अगर आपको टेबल रिमेंबर होगी, सो आई टोल्ड यू द टेबल विच इज़ आई मी माई माइन, राइट? आई मी माई माइन, यू कैन सी ओवर हेयर, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या हैं? व्हाट आर दीज? दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। लेकिन ये बनी कैसे? ओके, हाउ दीज प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड, वाई आई सेड दैट यू कैन नॉट यूज अपोस्ट्रॉफी एस विद देम, क्यों मैंने कहा आप इनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज करते हैं, आप सिर्फ इसके साथ एस यूज करते हैं, आप अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। देखिए, माइन बनता कैसे है? जब आप माए के साथ कोई नाउन लगाएंगे, ठीक है, माए क्या है स्टूडेंट आपका? माइन है आपका एक पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट? आई टोल्ड यू इन पर्सनल प्रोनाउंस व्हेन आई गेव यू दैट टेबल, अगर वो टेबल याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपसे कहा था कि वो टेबल आपको लर्न करनी है, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप वो टेबल लर्न कर लो सो दैट आपको बाय हार्ट वो दिमाग में रहे, ओके? सो माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। आई मी माई माइंड, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, वी अस आर आर्स, ठीक है, आर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, देन यू यू योर योर्स, ठीक है, योर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है, सिमिलरली हिज हर देयर, ओके, ये सारे आपके क्या हैं स्टूडेंट? ये है सब आपके पोजेसिव एडजेक्टिव। जब आप इन पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन को यूज करते हैं, व्हेन यू यूज नाउन विद दीज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, देन वो कहलाती हैं आपकी पोजेसिव प्रोनाउंस। लेकिन होता क्या है, आप उसको शॉर्ट कर देते हो, ठीक है, माय प्लस नाउन को कह दोगे माइन, ओके? जैसे मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज माइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई सेड दिस बुक इज माइन, आई कैन से दिस सेंटेंस लाइक This book is my book. मैं इस sentence को ऐसे भी बोल सकती हूँ, This book is
माई बुक, ओके, बट मैंने माई बुक ना यूज करके इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई बुक आई रोट माइन ओवर हेयर. मैंने माई बुक यूज नहीं करा, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने माइन लिखा. सो दूसरा पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि हम जो पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं वो हम नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए करते हैं, ठीक है, जिससे नाउन बार बार रिपीट ना हो. देखिए प्रोनाउंस का बेसिक जो यूजेज है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम प्रोनाउन यूज करते क्यों हैं. प्रोनाउन भाई हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट वी कैन अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, कि हम नाउन के रेपिटेशन को रोक सकें, राइट पीपल. सो पोजेसिव प्रोनाउंस का भी यही काम है, बिकॉज ये तो इनका जनरल काम है ना, जो ये काम करते ही हैं, ठीक है. लेकिन मैं आपको यूजेज के बेसिस पर बता रही हूँ. आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे कि दिस बुक इज माई बुक, ओके. अगर आप बोलोगे दिस बुक इज माई बुक देन ऑल्सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. बट There is a more appropriate form of writing this sentence. इससे भी ज़्यादा एक appropriate form है, एक बहुत अच्छा तरीका है इसको लिखने का, और आप इसको लिख सकते हैं this book is mine. तो हम possessive pronouns को अगर use करते हैं grammar में तो noun के repetition को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है. जैसे this book is my book को मैंने लिख दिया this book is mine to avoid the repetition of the नाउ. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की प्रोनाउन और नाउन कभी एक साथ नहीं आती, दैट इज ट्रू, ठीक है. एक पॉइंट आप और दिमाग में रख लो, बिकॉज मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बिटवीन ऑफ द सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस बताती रहती हूँ, ठीक है. काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली बताती रहती हूँ सो दैट आपको ये बेसिक पॉइंट दिमाग में रहे, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहना इंपॉर्टेंट है. सो वी नेवर यूज़ प्रोनाउन एंड नाउन टुगेदर, वी नेवर यूज़ प्रोनाउन एंड नाउन टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल आई से इट बुक इज माइन, ओके. इट बुक इज माइन, इट है क्या, इट्स, ठीक है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि इट आप कब यूज़ करते हो, न्यूटर जेंडर के लिए, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, फॉर दैट यू यूज़ इट. आई टोल्ड यू अबाउट दिस, राइट पीपल. आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इट का पोजेसिव प्रोनाउन एग्जिस्ट नहीं करता है, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं एग्जिस्ट करता है, इट इट इट्स, ओके. तो इट आपका नॉमिनेटिव वाला केस भी है, इट आपका ऑब्जेक्टिव वाला केस है. नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, ठीक है. क्योंकि प्रोनाउन आप क्यों यूज़ करते हैं, आप प्रोनाउन नाउन की जगह ही तो यूज़ करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि नाउन कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ओके. एंड इफ यू आर यूजिंग प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन सो यू कैन यूज प्रोनाउन ऑल्सो एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट, राइट पीपल. बायलिंगुअल सेशंस रह रहे हैं बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, राइट, जिन्हें हिंदी नहीं आती, दैट इज़ वाई दे वॉन्ट मी कि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ. दैट इज़ वाई स्टूडेंट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. तो वीडियो के साथ बने रहना, लेक्चर के साथ बने रहना, बिकॉज काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ. सो लेक्चर को बिल्कुल भी एक्सप्लेन मत करना, और अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, बिकॉज आप जब लाइक करते हो वीडियोस को तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है, वेर आई फील कि हाँ आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, राइट. आई नो अभी मेरी ऑडियंस कम है बिकॉज आई एम कंटिन्यूइंग आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद मैं इस चैनल पर कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन जितने भी हैं हम सब जुड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक करते हैं, इस तरह से मोटिवेट करते हैं, राइट पीपल. सो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज, ओके. इट बुक इज माइन, देखिए इट आपका क्या है, मैंने आपको बताया था टेबल में इट इट इट्स, ओके. आई टोल्ड यू अबाउट दिस इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोनाउन, ओके, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, तब मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको टेबल दी थी, अगेन आई एम सेइंग. तो आपका इट क्या है, ये तो है आपका सब्जेक्टिव केस वाला, ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ये है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं एग्जिस्ट करता है, ओके पीपल. सो अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं इट बुक इज माइन, तो इट के बाद एकदम आ गया क्या, इट के बाद एकदम आ गया आपका नाउन, ओके. और नाउन से पहले आपका हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव, बिकॉज प्रोनाउन और नाउन तो हम कभी एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, दिस आई टोल्ड यू दैट वी कैन नॉट यूज नाउन एंड प्रोनाउन टुगेदर. सो इट बुक इज माइन, ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज इट आपका एक प्रोनाउन है, अगर सॉरी इट आपका एक प्रोनाउन है, राइट पीपल. सो हम कभी नहीं कहेंगे इट बुक इज माइन, ओके. इंस्टेड आप बोलोगे इट इज माई बुक, इट इज माई बुक, बिकॉज माई यहां पे क्या हो गया,
माय यहाँ पे आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, आई मी माय माई, ठीक है। तो माई आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद आपकी नाउन आई, तो माई नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज वाई आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। और इट आपका क्या हो गया, इट आपका प्रोनाउन हो गया। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है तो वो दो तरह से आता है, ठीक है। यू कैन यूज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इन टू वेज। नंबर वन, ये आपका नाउन से पहले आता है, ठीक है, ये आपका नाउन से पहले आता है। अगर नाउन से पहले आ रहा है तब आप कहेंगे कि वो एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है। इफ इट कम्स बिफोर अ नाउन देन वी कैन से दैट इट हैज़ बीन यूज एट्रीब्यूटिवली, राइट। और अगर ये आपका नाउन, सॉरी, अगर ये आपका वर्ब के बाद आता है, अगर ये आपका वर्ब के बाद आता है तब हम कहेंगे प्रेडिकेटिवली, ओके। तब हम कहेंगे कि एडजेक्टिव आपका प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है। कन्फ्यूजन कहाँ आता है, क्योंकि जो वर्ड्स हम एज एडजेक्टिव पढ़कर आए हैं वही वर्ड्स हम एज प्रोनाउंस भी पढ़ रहे हैं, राइट। डिफरेंस क्या है कि वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जगह डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया है, पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह पोजेसिव प्रोनाउन हो गया है, बस इसमें एसेस का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पर आप डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, अभी हम इंटरोगेटिव भी पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, वो सब एक जैसे लगते हैं। सो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ वाई मैं इसको डेली बेसिस पे एक्सप्लेन करती रहती हूँ, बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ, सो दैट आपके दिमाग में पॉइंट रहे। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउन, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि जो प्रोनाउन है स्टूडेंट वो वर्ब के पहले आता है, ओके। प्रोनाउन कम्स बिफोर अ वर्ब, वेयर एज एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर अ वर्ब, ओके। बट प्रोनाउन कम्स बिफोर अ वर्ब एंड वी कैन नॉट यूज प्रोनाउन एंड नाउन्स टुगेदर, और हम प्रोनाउन और नाउन्स को कभी एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने ये सेंटेंस देखा, इट बुक इज माइन, तो यहाँ पे आपका ये नाउन है, सॉरी, ये आपका प्रोनाउन है और ये नाउन है। सो नाउन एंड प्रोनाउन कैन नॉट कम टुगेदर। इंस्टेड राइटिंग लाइक दिस, वी कैन राइट द सेम सेंटेंस इन दिस वे कि इट इज माई बुक। इसको करेक्ट तरह से आप लिख सकते हैं, कैसे, इट इज माई बुक, ओके। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा नाउन और प्रोनाउन हम साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। आर्स स्कूल, आर्स स्कूल, अब आर्स आपका क्या है, फटाफट से टेबल रिवाइज करो, आर्स आपका क्या है, वी अस आर आर्स, तो आर्स है आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन के साथ हम कभी नाउन यूज करते ही नहीं है। स्कूल क्या है, स्कूल आपका नाउन है, और हम कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन हो या कोई भी प्रोनाउन इन जनरल हो, वी नेवर यूज अ नाउन विद इट, ओके। सो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस इन दिस वे, हम लिख सकते हैं इसे, आर स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 days, ठीक है। आर स्कूल, जहाँ आर क्या हो गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, क्यों, हमारा स्कूल, ठीक है, पोजेशन दिखा रहा है ना, हमारा स्कूल। आप कभी भी आर्स स्कूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर्स आप क्यों यूज करते हो, जब आप आर, जो आपका एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, आर बोलो, आवर बोलो, ठीक है, आप आर, ठीक है, और उसके साथ नाउन को यूज करते हो, ठीक है, तब आप पोजेसिव एडजेक्टिव, तब आप पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हो। जैसे आप ये समझो आर स्कूल, तो आर क्या है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट, और इसके साथ आपका क्या आ गया, नाउन, जो कि है एक स्कूल। तो इसको मैं लिख सकती हूँ आर्स, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ आर्स, यानी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने इन दो वर्ड्स को शॉर्ट करके आर्स बनाया। तो मैं कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं यूज करूंगी, ठीक है, क्योंकि जब हम पोजेसिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में लिखते हैं वहां ऑलरेडी उस सेंटेंस में आपकी नाउन आ चुकी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया माइन, माई प्लस नाउन, आर्स, आर प्लस नाउन, योर्स, योर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, हर्स, हर प्लस नाउन, देयर्स, देयर प्लस नाउन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो आपकी पोजेसिव प्रोनाउन है वो आप एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, देखने में आपको एक नया रूल लगेगा, लेकिन अपना दिमाग चलाओ। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं भाई? क्योंकि मैम आपने बताया है कि नाउन और प्रोनाउन को ही हम एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, राइट? तो इस टाइप से भी आपको एक रूल लिखा मिलेगा जहाँ आपको लगेगा कि आप एक नया रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप उसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप नाउन और प्रोनाउन को ही एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? ओके, जैसे योर्स इज अ न्यू कार, पोजेसिव प्रोनाउन का काम सिर्फ इतना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है? व्हाई वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस? टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। ओके, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे, योर्स इज अ न्यू कार को योर कार इज अ न्यू कार। सॉरी स्टूडेंट, मैंने योर के बाद कार नहीं लिखा है। दिस सेंटेंस विल बी लाइक योर कार इज अ न्यू कार। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन दिस वे योर कार इज अ न्यू कार, हम इसको लिख सकते हैं योर्स इज अ न्यू कार, ठीक है? योर्स इज अ न्यू कार। तो यहाँ पे योर्स का मतलब है क्या? योर्स का मतलब है योर कार, ठीक है? योर्स का मतलब ही क्या है? योर कार, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट स्टूडेंट? सिमिलरली हर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस, उसका हाउस ब्यूटिफुल है। मैं सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई कैन राइट द सेम सेंटेंस इन अ वे, हर हाउस इज अ ब्यूटिफुल हाउस। बट वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में इसलिए करते हैं क्योंकि हम नाउन के रेपिटेशन को रोक सके। रेपिटेशन का मतलब उसे बार बार आने से रोक सके, ठीक है? तो मैं हर हाउस की जगह कर देती हूँ हर्स, ठीक है? हर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस। अब आपने योर्स इज अ न्यू कार करा, आपने हर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस करा, तो आपने देखा कि कन्फर्म तो ऑलरेडी हो ही गया ना कि हम यहाँ एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो हाउस है, ठीक है? तो हमें स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं है कि योर कार इज अ न्यू कार। अगर आप बोलते हो, इनफॉर्मल इंग्लिश है, आप सब बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया था, प्रोनाउन के में ही बताया था, जब मैं कंपैरिजन की बात कर रही थी, ठीक है? तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस के बीच में होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से, एनिमल का एनिमल से, राइट? मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन जो है वो हमेशा सेम केसेस में होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज एज फास्ट एज मी, ठीक है? ही इज एज फास्ट एज मी, मतलब जितना फास्ट मैं हूँ उतना ही फास्ट वो है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम कंपैरिजन स्टूडेंट ही और मी के बीच में कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे तब आप बोल सकते हो ही इज़ एज फास्ट एज मी। इनफैक्ट जो आपके अमेरिकन्स होते हैं, जो आपके ब्रिटिशर्स होते हैं, स्पेशली अमेरिकन्स की अगर हम बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं, ठीक है? वो इतने ज़्यादा रूल्स दिमाग में नहीं रख रहे हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल इंग्लिश, जब आपको लिखना है ग्रामर में, ठीक है, जब आप ग्रामर का यूज़ करोगे तब आप इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट ही इज़ एज फास्ट एज मी नहीं होगा, ही इज़ एज फास्ट एज आई होगा, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी जब इनफॉर्मली बात करते हैं तो तब हम भी बोल देंगे दैट ही इज़ एज फास्ट एज मी, बिकॉज वाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम स्पीकिंग इनफॉर्मली, ओके? मैं किसी अपने जान पहचान के व्यक्ति से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज़ नोन टू मी, राइट पीपल? लेकिन व्हेन आई एम राइटिंग इन दिस लैंग्वेज, तब मुझे इन रूल्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, ओके? सो ही आपका क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक? तो मैंने आपको बताया था कि आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करोगे, तो यहाँ आप आई का यूज़ करोगे, मी का यूज़ नहीं करोगे, राइट पीपल? और अगर आप बोलो कि मी रहने, तो वहाँ आप कह दो हिम इज एज फास्ट एज मी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी ऑब्जेक्टिव केस से नहीं होती है, राइट? आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बीच बीच में मैं आपको थोड़े रूल्स भी रिवाइज करा देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा ना याद रहे, ओके? नेक्स्ट हम बात करते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जाहिर सी बात है, प्रोनाउन को जब हम एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हम एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, बिकॉज नाउन की जगह प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं। एंड इफ वी आर यूजिंग नाउन एज एन ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट, तो हम प्रोनाउंस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? किताब में पढ़ोगे लगेगा नया रूल है, लेकिन नहीं, कॉमन सेंस चला लो। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे ही हैज लॉस्ट माय बुक एज वेल एज योर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है? कैसे पता लगा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है? मैंने क्या बोला है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिवाइड करो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज लॉस्ट माय बुक एज वेल एज योर्स आपका क्या हुआ,
ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट में यू फाइंड द ऑब्जेक्ट, और आपको सब्जेक्ट में ही आपका सब्जेक्ट मिलता है, तो प्रेडिकेट में आपको बुक की बात कर रहे हैं, राइट? और ये भी बुक के लिए बात की जा रही है, कैसे ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक, ठीक है? मैं सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं सो दैट हम नाउन के रेपिटेशन को रोक सके, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग योर बुक I will say yours. So that is why आप as object भी use करते हैं. Save your time and mine too. My time too. और my time too को, my time को आप mine भी लिख सकते हैं. तो save your time and mine too. I hope student आपको clarity मिली होगी. Next हम बात करते हैं student as the object of preposition. मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी sentence में अगर आपका object preposition आ रही है, right? तो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका नाउन रहता है और प्रोनाउन रहता है, ठीक है? तो अगर आपको एज द ऑब्जेक्ट चूज करना है तो आप क्या चूज करेंगे? आप उस केस में पोजेसिव प्रोनाउन लेंगे, जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर. अब अगर हम बात करें शी हर हर हर्स, ओके? शी, डिफरेंस समझना स्टूडेंट, ओके? शी हर हर hers, right? ये आपका सब्जेक्ट, ओके? ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या आया? पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये आपका आया पोजेसिव प्रोनाउन. देखो, हम कभी भी प्रेपोजिशन का जब ऑब्जेक्ट लेते हैं वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो हर तो किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, नहीं होगा पोजेसिव. जब हम शी ही बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला और पोजेसिव एडजेक्टिव वाला सेम है, हर इसमें भी, हर इसमें भी है, ठीक है? लेकिन अभी हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो आपका हर तो नहीं हो सकता. अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है? आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या ले सकते हो? एक प्रोनाउन ले सकते हो, लेकिन यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव केस वाली प्रोनाउन नहीं आएगी, यहाँ आपकी पोजेसिव प्रोनाउन आएगी, ओके? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, यू से आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, ओके? यू विल से आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स. आई होप आपको क्लैरिटी स्टूडेंट मिली होगी. सिमिलरली योर हाउस इज बेटर देन माई, अब कंपैरिजन कर रहे हैं, योर हाउस इज बेटर देन, या तो आगे माई हाउस होता, ठीक है? या तो आगे इसके माई हाउस होता, देन ऑल्सो द सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट इफ इसके आगे माई हाउस लिखा होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका माई लिखा है, और देन आपका क्या है? देन आपकी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है? देन आपकी एक प्रेपोजिशन है, तो आप प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करते हैं, राइट? तो आप एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई नाउन तो चाहिए. तो अगर आप बोलते योर हाउस इज बेटर देन माय हाउस, देन द सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट, बट इन द फॉलोइंग सेंटेंस नाउन है ही नहीं, नो वेयर यू कैन सी द नाउन, दैट इज वाई ये सेंटेंस करेक्ट है और हम रॉन्ग है, और हम बोलेंगे योर हाउस इज बेटर देन माइन, ओके? योर हाउस इज बेटर देन माइन. तो अगर आपको प्रोनाउन प्रेपोजिशन का एज ऑब्जेक्ट यूज करना है, देन यू विल बी यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउन. आई होप आपको स्टूडेंट क्लैरिटी मिली होगी, ओके? नेक्स्ट, मैंने आपको इस रूल के बारे में कई बार बताया है कि पोजेसिव प्रोनाउन्स में आप कभी भी अपोस्ट्रॉफी नहीं यूज करते हैं, आप ऐसे यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि क्यों हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई हम कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रॉफी का नहीं यूज़ करेंगे. सिंपली होगा योर्स, आर्स, देयर्स, ओके? वी विल नेवर यूज़ अपोस्ट्रॉफी एस. फॉर एग्जांपल, द बेयर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज. मैंने आपको बताया है इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है इट इज़, ठीक है? क्योंकि अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम पोजेशन के लिए भी करते हैं, हम प्लूरल बनाने के लिए भी करते हैं, एंड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो वी यूज़ अपोस्ट्रॉफी एस, ओके? वी कैन यूज़ अपोस्ट्रॉफी एस इन थ्री वेज, ओके? वी कैन आइदर शो पोजेशन, ओके, और कॉन्ट्रैक्शन, या फिर स्टूडेंट्स हम लोग पोजेशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर स्टूडेंट्स हम वेट अ सेक, ओके? वी कैन यूज आइदर टू फॉर्म प्लूरल,
ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर आपका पोजेशन. तीन तरह से वी कैन यूज पोजेसिव अपोस्ट्रॉफी एज इन अ सेंटेंस. ओके, सो द बेयर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, तो इसका मतलब है इट इज. ओके, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा बिकॉज हम यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं, इट्स नोज उसकी नाक, दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की, वी डू नॉट यूज पोजेसिव केस विद सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर. ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ हम पोजेसिव केस का यूज़ नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, वाई वी डू नॉट यूज पोजेसिव केस विद दीज वर्ड्स, ये क्वेश्चन अराइज होता है. देखिए, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी. ओके, ये सेंटेंस गलत है. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट लाइक दिस यू विल से सेपरेशन फ्रॉम यू. ठीक है, योर सेपरेशन क्या है, ये आपका एक पोजेशन दिखा रहा है ना, पोजेशन दिखा रहा है ना, किसका सेपरेशन, तुम्हारा, किसका सेपरेशन, तुम्हारा सेपरेशन, राइट. तो यहाँ पर आपको ये एक पोजेशन दिखा रहा है, दैट इज वाई यू विल नॉट से योर सेपरेशन, यू विल से सेपरेशन फ्रॉम यू. लेकिन हमने ऐसा करा क्यों स्टूडेंट, बात इसकी आती है. देखिए, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी का मतलब है कि तुम्हारा अलगाव, ओके, तुम्हारा अलगाव, ठीक है. सेपरेशन फ्रॉम यू का मतलब है तुमसे अलग, ठीक है, तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत पेनफुल है. तो ये सेंटेंस आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इट इज़ मेकिंग अ मीनिंग. ओके, इट इज़ मेकिंग अ सेंस. ओके, इफ वी आर सेइंग योर सेपरेशन, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. ओके, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. सो जब ये सारे वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं, ट्राई टू चेक द कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस का क्या कहना चाह रहा है. योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, तुम्हारा अलगाव इज वेरी पेनफुल टू मी, बट सेपरेशन फ्रॉम वॉट. ओके, यहाँ पे इज दिस सेंटेंस में योर सेपरेशन, सो इन दिस सेंटेंस इट इज टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन. ओके, सेपरेशन ऑफ समवन फ्रॉम समथिंग, बट फ्रॉम वॉट, वॉट्स दैट थिंग, वी आर नॉट गेटिंग दैट थिंग. ओके, सो योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, दिस इज रॉन्ग ओवर हियर. इंस्टेड, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी. अब यहाँ पे आपको ये सेंटेंस थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा होगा कि तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है. ठीक है, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, अगर मैं बोलूँ योर सेपरेशन तो वो मेरे लिए पेनफुल तो है, लेकिन किससे वो नहीं पता ना, योर सेपरेशन. लेकिन अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, इफ आई एम सेइंग दिस सेंटेंस टू समवन, सो आई विल नॉट से योर सेपरेशन. ओके, इंस्टेड आई विल से सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी, बिकॉज इन दो सेंटेंसेज में मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि मेरे लिए पेनफुल है. ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ऐसा हम करते क्यों हैं. नेक्स्ट देखिए, एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड. ठीक है, यहां भी हमने पोजेसिव केस का यूज करा, हिज साइड. साइट का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट. साइट का मतलब होता है अबिलिटी टू सी. ठीक है, किसी भी चीज को देखने की अबिलिटी. ओके, अगर मैं बोलूं एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसकी नज़र में, आप ऐसे समझो कि उसकी नज़र में रॉबर्स भाग गए, उसकी नज़र से रॉबर्स भाग गए. ठीक है, तो ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं बना रहा है, दिस सेंटेंस इज़ नॉट मेकिंग एनी मीनिंग. ओके, इट इज़ नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग, दैट इज़ वाई ये सेंटेंस गलत है. अगर मैं बोलूँ एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, ठीक है, कहने का मतलब है जैसे ही रॉबर्स ने उसे देखा वो भाग गए, तो यहाँ पे सेंटेंस ने एक मीनिंग बनाया. ओके, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर जाओ, बिकॉज ग्रामर अनप्रडिक्टेबल है, ग्रामर इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. ओके, रूल्स दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं, लेकिन एज पर कॉम्पिटिशन आपके यही कुछ रूल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं. लेकिन अगर आप इंग्लिश को पढ़ोगे, देन यू विल फाइंड दैट इंग्लिश इज़ रियली वेरी वास्ट. ओके, एंड एवरी डे अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने का शौक है, अगर आप उसको डेप्थ में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कितना डीप नॉलेज ये आपको कन्वे करता है, हाउ डीप इट इज़. ओके, इंग्लिश इज़ वेरी डीप, इट इज़ वेरी वास्ट. ओके, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, सो आपको ये रूल्स दिमाग में रखना जरूरी है. इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी, मैं आपसे कह देती कि इन इन वर्ड्स के साथ हम नहीं यूज़ करते हैं, एंड आई नो कि यही वर्ड्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं. ठीक है, बट आई नीड टू एक्सप्लेन यू ऑल्सो, कि एक्सप्लेन टू यू ऑल्सो कि ऐसा होता क्यों है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई नीड योर फेवर प्लीज़. कहने का मतलब है मुझे तुम्हारा एहसान चाहिए, योर फेवर, तुम्हारा एहसान चाहिए.
ठीक है, योर फेवर, तुम्हारा एहसान का मतलब है, जो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा, एक बार फर्स्ट गो में बोलोगे तो आपको सही लगेगा कि आई नीड योर फेवर प्लीज, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो तुम पर एहसान कर रहा है वो वाला एहसान मुझे चाहिए, कि जो तुम्हें फेवर कर रहा है वो वाला फेवर मुझे चाहिए. ओके, आई नीड योर फेवर प्लीज. ओके, सो दैट इज वाई ये सेंटेंस आपका गलत है. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट लाइक दिस यू विल से आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, क्योंकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से एहसान चाहिए, उपकार, फेवर चाहिए, ठीक है, तो आप ये बोलोगे ना फेवर फ्रॉम यू. अगर आप बोलोगे योर फेवर, आई नीड योर फेवर प्लीज, कहने का मतलब है कि जो कोई तुम्हें फेवर कर रहा है मुझे वो वाला फेवर चाहिए. ओके, सो दिस सेंटेंस इज नॉट गिविंग अ क्लियर मीनिंग. ओके, योर फेवर इज नॉट गिविंग अ क्लियर मीनिंग. इन वन गो वी विल फील दैट दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट योर फेवर इज नॉट कन्वेइंग अ करेक्ट मीनिंग. ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग योर फेवर यू विल से आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू प्लीज. ओके, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, कि मुझे तुम्हारा उपकार चाहिए, तुमसे फेवर चाहिए. दैट इज वाई स्टूडेंट हम इन कुछ वर्ड्स के साथ कभी भी पोजेसिव केस का यूज़ नहीं करते हैं. किताब में जब ये रूल लिखा हुआ है तो पोजेसिव केस की जगह आप पढ़ना, और आपने अगर वो बुक पढ़ी है तो आपको समझ भी आएगा कि मैं किस बुक की बात कर रही हूँ. वहाँ दे हैव मैंशनड अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, दे हैव मैंशनड पोजेसिव प्रोनाउन, बट दैट्स रॉन्ग, दैट रूल इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि योर, हिज, ये सब क्या है आपके, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन तो ये है ही नहीं, पोजेसिव प्रोनाउन तो स्टूडेंट ये है ही नहीं. ओके, लेकिन इन द बुक इट इज रिटन पोजेसिव प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ पोजेसिव केस, सो दैट रूल इज रॉन्ग. जिस तरह से दे हैव एक्सप्लेन्ड यू द रूल, दैट इज रॉन्ग. ओके, तो हम यहाँ पर पोजेसिव केस की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, जेरंड इज यूज आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव. ओके, इन सच केसेस नेवर यूज पोजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव. देखो बहुत इजी सा रूल है, इट्स अ वेरी इजी रूल. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि जेरंड होता क्या है. देखिए, जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तब वो नाउन का काम करता है, उसे हम जेरंड कहते हैं. ठीक है, जेरंड कहते हैं. इन ऑर्डर टू लर्न द स्पेलिंग यू से जेरंड, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज जेरंड. ओके, दैट इज जेरंड. लेकिन मैं भी इसको जेरंड ही बोलती हूँ बिकॉज मैंने भी इसको ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज जेरंड. ओके, लेकिन हम जेरंड से पढ़ते हैं. सो होता क्या है, दैट वेन एवर आप आईएनजी लगा देते हैं किसी वर्ब में, ओके, वेन यू एड आईएनजी टू एनी वर्ब देन इट प्लेज अ रोल ऑफ अ नाउन, तो वो नाउन का रोल प्ले करता है और उसे हम कहते हैं स्टूडेंट जेरंड या फिर जेरंड. स्पेलिंग याद करने के लिए जेरंड, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जेरंड. ओके, सो gerund is used after possessive adjective. ओके, आप possessive adjective के बाद gerund use करते हैं. अब आपको बहुत easily समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि adjective के बाद आपका noun आता है, right? Noun आता है, ये मैं आपको एक structure बता चुकी हूँ. I have already explained you this structure, that अगर हम attributively बात करें, so noun comes after an adjective, okay? और adjective noun को qualify करता है, noun में एक extra meaning add करता है, it adds an extra meaning to a noun, right people? So, gerund is used after possessive adjective. क्यों मैं कह रही हूँ, why I am saying this, gerund is used after possessive adjective, तो आप लोगों को समझ में अब तक आ जाना चाहिए. जब gerund आपका as noun काम कर रहा है तो भाई noun तो adjective के बाद ही आता है ना, we use noun after an adjective, that is why I was confident of my winning the match. ओके, ये क्या है स्टूडेंट आपका, ये एक gerund है. आपने win, win क्या है आपकी, win is a verb, और आपने इसमें ing लगा दिया और आपने इसे क्या बना दिया, noun. ओके, और noun से पहले हमेशा क्या आता है, एक adjective आता है. सो क्या आएगा, possessive adjective. ठीक है, I was confident of my winning the match. I hope आपको clarity हुई होगी. ठीक है, आप कभी भी gerund से पहले कोई possessive pronoun use नहीं करेंगे, कोई objective case use नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे she is sure of my helping others. अब helping gerund है, ठीक है, आपने verb में ing लगा दिया और उसको as noun use करा है. So she is sure of my, आप me use नहीं करोगे,
ठीक है, आप मी यूज नहीं करोगे बिकॉज नाउन और प्रोनाउन कभी साथ में नहीं आता है, तो मी माइन कभी नहीं आएगा जेरेंड के साथ. शी इज श्योर ऑफ माई हेल्पिंग अदर्स. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी. शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन. सो यहाँ पर ये क्या है, जेरेंड है स्टूडेंट. शी हर हर हर्स, तो यहाँ पर आपने पोजेसिव एडजेक्टिव हर यूज़ करा है. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन. आपका पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर समझ में आ गया होगा सो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर किसी भी रूल में कोई भी दिक्कत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली लिखना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन. सी रेसिप्रोकल प्रोनाउन स्टूडेंट दो टाइप की होती हैं, ईच अदर वन अनदर. ठीक है, ईच अदर हम किसी सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं. ओके, वन अनदर हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो से ज़्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं, मोर देन टू थिंग्स और पर्सन. ओके, जैसे ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर, दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर. अब नी तो दो ही होते हैं ना, राइट, नी तो दो ही होते हैं ना, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे ईच अदर यूज़ करेंगे, वन अनदर नहीं. सेकेंड देखिए, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बेड वन अनदर गुड बाय. स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, अब क्लास 12 में दो स्टूडेंट्स थोड़े होंगे, दो से ज़्यादा होंगे ना, तो इस केस में आप यूज़ करोगे वन अनदर. रेसिप्रोकल प्रोनाउन स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, बस आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपकी दो टाइप की होती है, ईच अदर वन अनदर. ईच अदर आप तब यूज़ करते हो जब आप म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहे हो दो लोगों में, और वन अनदर आप तब यूज़ करते हो जब आप म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहे हो दो से ज़्यादा लोगों में. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी. सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल. अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज आपकी ही हेल्प से ये चैनल ग्रो हो पाएगा. थैंक यू सो मच.